हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बीसीए की क्लास में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने आप लोगों को बिजनेस बता दिया, ठीक है, क्या होता है, और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस में हमने इंडस्ट्री डिस्कस कर ली है। ठीक है, देखिए कंपोनेंट ऑफ बिजनेस में हमने आप लोगों के साथ इंडस्ट्री डिस्कस कर ली। ठीक, क्या होता है? थ्री टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है? पहली होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी जेनेटिक इंडस्ट्री, और तीसरी, ठीक है, पहली एक्सट्रैक्टिव, जिसमें हमने कल बताया था आप लोगों को कल की क्लास में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं हवा से, पानी से और धरती से जो भी मिनरल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो किस में जाता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। ठीक है, इसमें लिखते हैं डिपेंड अपॉन नेचुरल। ठीक है, डिपेंड अपॉन नेचुरल थिंग। ठीक है, आइए अगला क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री भी नेचुरल प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, पर ये क्या है? ये आपका लॉन्ग टर्म है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा लगती है, जैसे कि कैटल रेजिंग, फिशिंग। ठीक है, ये सब होता है, कैटल रेजिंग, फिशिंग, और भी आपका कई चीज है वो सब इसमें आता है। ठीक है, इसमें जेनेटिक में, ये भी नेचुरल पे है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या काम करती है? ये इन दो इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाती है। ठीक है, किसमें बनाती है? फिनिश्ड प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल को इनसे लेती है, इनसे लेती है और यहाँ पे ला के फिनिश प्रोडक्ट में बनाती है। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्री के बारे में था। अब हम लोग दूसरा कंपोनेंट पढ़ेंगे बिजनेस का, क्या है? वो कॉमर्स है। ठीक है, आइए ठीक है, अगला क्या है? कॉमर्स। कॉमर्स में क्या लिखा है? देखिए द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑल दोज एक्टिविटी। देखिए वो प्रोसेस जो खरीदने, बाइंग और बेचने, सेलिंग, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑल दोज एक्टिविटी, और वो सब एक्टिविटी जो ट्रेड के लिए काम आती है, फैसिलिटेट ट्रेड, ट्रेड को सहायक बनाने के काम आती है, ट्रेड को और अच्छा करने के काम आती है, वो सब किस में जाती है? आपका कॉमर्स में। ठीक है, अब देखिए ट्रेड में क्या क्या है? सच एज स्टोरिंग, सामान को गोडाउन में रखना, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुँचाना। ठीक है, स्टोरिंग मतलब गोडाउन की सुविधा, ट्रांसपोर्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुँचाना। तीसरा क्या है? ठीक है, तीसरा आपका है पैकेजिंग, सामान को अच्छे से पैक करना, फाइनेंसिंग, उसके लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर सामान खरीदना है तो फाइनेंस हो सकता है, बड़े पैमाने पे चाहिए, लोन लेते हैं लोग, तो वो फाइनेंसिंग हो गया। ठीक है, अगला क्या है? इंश्योरिंग, उस सामान का इंश्योरेंस करना या कंपनी का इंश्योरेंस करना। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, एकदम फिर से बता देते हैं, प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, अब इसमें नहीं लिखा है, बोल दे रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, एंड ऑल दोज एक्टिविटीज, और वो सब एक्टिविटीज जो ट्रेड को करने में सहायक होती है, विच फैसिलिटेट ट्रेड, वो क्या होती है? इंश्योरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, पैकेजिंग। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, पैकेजिंग, इंश्योरिंग, फाइनेंसिंग, इट्स कॉल्ड कॉमर्स। ये सब क्या होती है? ये सब कॉमर्स के ही काम आते हैं, ये सब मिलके क्या बनाता है? कॉमर्स। ठीक है, आइए अब कुछ चीजें और हैं। अब कॉमर्स का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कॉमर्स ठीक है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कॉमर्स टू इज टू ठीक है इज टू रिमूव द हिंड्रेंस ठीक है, हिंड्रेंस का मतलब होता है डिफिकल्टीज। ठीक है, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी।
ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ विच, हिंड्रेंस ऑफ पीपुल, प्लेस, थिंग, ठीक है, क्या कहा, पीपुल, प्लेस और थिंग के लिए, ठीक है, और भी इसमें जोड़ देते हैं, एक्सचेंज, ठीक है, एंड नॉलेज। आइए क्या है, देखिए कॉमर्स का सबसे मेन फंक्शन, सबसे जरूरी फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो हिंड्रेंस मतलब दिक्कत को दूर करे, किस लिए, लोगों की सामान उनको आसानी से मिल जाए, ठीक है, और ऐसी जगह कंपनी हो जहाँ पे लोग भी हो, ठीक है, सामान उनको आसानी से मिल जाए, हिंड्रेंस, ठीक है, जगह की ऐसी जगह मार्केट हो जहाँ पे हमें, ठीक है, सेल करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादा आए, वो एक प्रॉपर मार्केट हो, ऐसी जगह ना हो कि जहाँ पे हमें दिक्कत हो जाए, जहाँ पे हमारा क्या सामान सही से ना पहुँचे, लोग ना सही से आ पाए, हमें और भी दिक्कतें हों, ठीक है। अगला देखिए थिंग, थिंग का मतलब वही हो गया कि ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट जो है हमारा वो आसानी से वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, हम कहीं से मंगाएं तो वो भी आ जाए, ट्रांसपोर्ट आराम से वहाँ पहुँच जाए, रॉ मटेरियल आराम से आ जाए, लोग आ जाएं खरीदने के लिए, ये सब डिफिकल्टी को दूर करना है। देखिए आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, क्या बताते हैं, देखिए अब अगर ये कहते हैं हम लोग कि एक है क्या कहते हैं मार्केट, ठीक है, और एक है आपका फॉरेस्ट जंगल, अगर मान लीजिए यहां पे कोई शॉप खोलता है, या फॉरेस्ट तो बहुत वो हो जाएगा, फॉरेस्ट नहीं कहते हैं हम, क्या कह लेते हैं, ऐसा गांव जो शहर से बहुत दूर है, कटा हुआ है, ठीक है, यहां पे एक दुकान खोलते हैं, और एक दुकान हम कहां खोलते हैं, मार्केट में, जो कि कहां है, विद इन द सिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें यही समझेंगे, अब लोग यहाँ भी रहते हैं, लोग यहाँ भी रहते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके सामान लाना थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे क्या है, इजी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इजिली अवेलेबल है, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए सिटी में रोड होगी, ठीक है, यहाँ पे कह देता हूँ, मेंटेनेंस ऑफ रोड, ठीक है, लैक ऑफ गुड रोड, ठीक है। अब यहाँ पे सिटी में अच्छी सड़कें होंगी, ट्रांसपोर्ट अच्छे से आएगा, इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रोड खराब होगी, लैक करेगी, ठीक है, खराब रोड है तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये दो चीज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इजली अवेलेबिलिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, यहां पे क्या होगा, डिफिकल्ट इन अवेलेबिलिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही सब देखते हुए हम हमेशा दुकान ऐसी जगह खोलते हैं जहाँ से हमारा क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सड़क हो, गाड़ियाँ आराम से पहुँच जाएँ, ठीक है, लोग आराम से पहुँच जाएँ, जो हमें सामान मंगाना है वो टाइम से पहुँच जाए, इसीलिए हमने थोड़ा सा आपको कह दिया,
ये एग्जाम्पल दिया है शहर और गांव का, वो भी वो गांव जो शहर से बहुत दूर है, कटा हुआ है, ठीक है, तो सामान लाने में दिक्कत, सामान पहुंचाने में दिक्कत, समय ज़्यादा लगेगा, लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे, अच्छा सामान रखेंगे तो वहाँ के उस टाइप के लोग नहीं मिलेंगे, खरीदार नहीं मिलेंगे, तो नुकसान होगा। इसीलिए कॉमर्स क्या करता है, इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के नाम को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। आइए अब हमने अभी आपको कुछ हिंड्रेंस बताए थे, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंड्रेंस, ठीक है, हिंड्रेंस का मतलब बताए थे डिफिकल्टीज, दिक्कतें, ठीक है। तो पहला क्या था, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब ये क्या होता है, हाँ, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब ये होता है, देखिए हमने अभी आपको बताया ऐसी जगह दुकान हो या शॉप हो जहाँ पे लोग इजीली अवेलेबल होने, ठीक है। अब देखिए इसमें दो पार्टी होंगी, एक होगा बायर और एक कौन होगा, सेलर, ठीक है। तो अब बायर और सेलर हमेशा एक साथ एक जगह मौजूद नहीं हो पाते हैं, या उन्हें एक साथ एक जगह मौजूद करने के जो भी साधन लगेंगे वो किस में आएंगे, कॉमर्स में आएंगे, ठीक है। अब अगर एक साथ नहीं मौजूद है तो इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। बायर और सेलर आर नॉट इजिली अवेलेबल एट वन प्लेस, ठीक है। तो अब जब एक ही जगह पे इजिली अवेलेबल नहीं है तो वो क्या हो जाती है, वो प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंस ऑफ डिस्टेंस। तो कॉमर्स क्या करता है, ठीक, कॉमर्स क्या करता है, इन लोग के बीच में इस्टेब्लिश क्या करता है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या नंबर के थ्रू, या मेल के थ्रू, या मैसेज के थ्रू, या मिलवा के, ठीक है, इन लोग के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं, जो क्या दूर करता है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को। अगला है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक्सचेंज का मतलब होता है, देखिए आदान प्रदान, ठीक है, अब सामान खरीदेंगे तो उसके बदले में पैसे देंगे। बहुत साल पहले, ठीक है, 100 करोड़ कई साल पहले दुनिया में एक ये सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम, ठीक है, क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि अगर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, बार्टर सिस्टम में मान लीजिए ए और बी, ए और बी भाई मेरे फेवरेट व्यक्ति हैं, ठीक है, मान लीजिए ए के पास क्या है, चावल है, ठीक है, और बी के पास क्या है, गेहूं है, ठीक है। अब इसको जितना गेहूं अपने लिए चाहिए उतना निकाल लेगा, मान लीजिए 20 बोरी थी, 20 bags, इसने क्या किया, 5 bags अपने लिए निकाल लिए, इसके पास बचा कितना, 15 bags, ठीक है। इनके पास भी वही था, 20 bag था इनके पास भी, इन्होंने 6 निकाल लिए, इनके पास बचा 14। अब ये जो 14 bag है ना, ये इनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने खाने पीने के लिए निकाल लिए, इन्होंने अपने लिए निकाल लिए। तो अब ये इनको चावल चाहिए और इनको क्या चाहिए, इनको गेहूं चाहिए। तो बार्टर सिस्टम क्या करता था, एक्सचेंज करता था, इनके चावल के बदले में इनको गेहूं दिया जाएगा, ठीक है। अब चावल के बदले में गेहूं दिया जाएगा, अगर ये मान लीजिए इन्हें 4 बोरी गेहूं चाहिए, ये क्या करेंगे,
यहाँ से 4 बोरी चावल दे देंगे और ये इनको 4 बोरी गेहूँ दे देंगे, ठीक है। अब इनके पास खाने के लिए क्या आ गया, चावल और गेहूँ दोनों हो गया। अब जो बचा हुआ चीज़ है इनके पास, इनके पास वो किसी और चीज़ के लिए इन लोग बार्टर करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक तरह से एक्सचेंज हो रहा है। आजकल क्या होता है, एक्सचेंज सिर्फ मनी के रूप में होता है, पैसे के रूप में होता है, ठीक है। ठीक है, अब पैसे के रूप में होने से एक फायदा ये हो गया, अब क्योंकि देखिए बार्टर सिस्टम में एक नुकसान हो जाता था, क्या मान लीजिए आपको चावल चाहिए, ठीक है, और आपके पास गेहूं है, और मेरे पास चावल है पर मुझे गेहूं नहीं चाहिए, तो आप उसके बदले में मुझे क्या देंगे, ठीक है। इससे क्या होती थी, दिक्कत हो जाती थी कि हमें एक्सचेंज करके जो चाहिए वो अगले के पास नहीं है, जिसके पास वो सामान है जो है, समझे नहीं। देखिए यहाँ पे वीट लिखते हूँ, ठीक है, यहाँ पे राइस लिखता हूँ और यहाँ पे शुगर, ठीक है। अब इनके पास गेहूं है, इन्हें चावल चाहिए, ठीक है, पर इसे तो शुगर चाहिए, इसे गेहूं नहीं चाहिए, इसे ये नहीं चाहिए। तो अब जब गेहूं नहीं चाहिए तो ये गेहूं के बदले चावल क्यों एक्सचेंज करेगा भाई, इसके पास पहले तो गेहूं है, ये क्यों एक्सचेंज करेगा, और नहीं करेगा तो फिर इसको कैसे चावल मिलेगा। तो इसी सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये निकाला गया कि एक सिंपल नॉर्मल मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखते हैं, ठीक है। ये क्या रखते हैं, नॉर्मल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो सब लोग क्या करें उसको अपने पास एक्सेप्ट कर सकें। वो क्या हो गया, मनी, वो हो गया मनी। अब मनी से क्या है, आपके पास गेहूं है, आपको चावल लेना है, तो आप ऐसी जगह जाएं जहां जिसके पास चावल है उसको गेहूं चाहिए चाहे ना चाहिए, वो मनी के बदले में आपको क्या दे देगा, गेहूं दे देगा, ठीक है। जिसके पास शुगर है, अगर आपको शुगर चाहिए उसको मनी दीजिए, वो आपको शुगर दे देगा। यहाँ बाल्टा सिस्टम का हिसाब खत्म हो गया, सामान के बदले सामान, हिसाब खत्म हो गया। तो इसीलिए मनी के आने से क्या हो गया, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज ये हट गया और ये पूरी तरीके से क्या हो गया कि नॉर्मल हो गया, कि सिर्फ आप पैसे दीजिए जितना उसका मूल्य है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू प्राइस आप उसको पैसे दीजिए, और जब पैसे देंगे तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, आपको सामान दे देगा, ठीक है। मान लीजिए 200 रुपये दिए तो 200 रुपये भर का आप क्या दे देगा, राइस दे देगा, बस। अब आपके पास वीट है, आपके पास शुगर है, आपके पास फिश है, आपके पास कैटल है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास पैसे हैं पे करने के लिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। क्या है अगला, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब ये क्या है, ठीक, आइए, हिंड्रेंस ऑफ टाइम का ये मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है ना, जो सामान होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज डन sometime in forecasting, ठीक है। forecasting का ये मतलब होता है कि आज ही हम भविष्य की नीति के हिसाब से आज ही बैठ के ये सोचे कि भविष्य में हो सकता है इसकी डिमांड हो, ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन कर देते हैं, फिर मान लीजिए दिक्कत हुई कुछ, तो हमारा वो क्या है, वो सामान नुकसान होता है, ठीक है, ठीक। अब प्रोडक्शन कर दिए, मान लीजिए 20 दिन बाद के लिए, अब 20 दिन बाद हमें उस सामान की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लीजिए, ठीक है, उसको स्टोर कर लीजिए, और राइट टाइम पे, ठीक है, हो सकता है उसकी डिमांड आपने आकलन किया हो 10 दिन बाद, हो सकता है 15 दिन बाद आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और क्या करेंगे, रिलीज दैट प्रोडक्ट at the good time, ठीक है, सही समय पर उसको क्या कर दिए, मार्केट में रिलीज कर दीजिए जब डिमांड हो जाए, ठीक है,
जब मार्केट में आप रिलीज कर देंगे तो आपका प्रोडक्शन भी नहीं खराब होगा और सामान भी आपका डिमांड के हिसाब से प्रॉफिट में हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट भाई देखिए फोरकास्टिंग करना है, भविष्य का आकलन ही लगाना है बेसिस पे मार्केट किस तरह चल रही है। तो हो जाता है आपने 10 दिन लगा लिया, 15 दिन में आ गया, ठीक है, या कोरोना जैसे आ गया था, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, तो उस हिसाब से ठीक है, तो ये सब होता है। अगला क्या है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब प्लेस का क्या मतलब होता है, जगह, ठीक है। अब देखिए हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को कैसे कम करता है, मान लीजिए किसी सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ए पे, ठीक है, और डिमांड है बी पे। यहां से यहां तक सामान भेजेंगे ना आप, क्योंकि भाई जहां डिमांड है सामान तो वहीं बिकेगा। हो सकता है बी में वो सामान का प्रोडक्शन ही ना होता हो, बी के जहाँ सिटी है, ए सिटी पे ही प्रोडक्शन होता हो, तो यहाँ से वहाँ तक जो भेजेंगे ट्रांसपोर्ट के द्वारा, इसी को क्या कहेंगे हम, ये आपका हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को ख़त्म कर रहा है। देखिए आज का सबसे नया एग्जांपल क्या है, न्यू एकदम ऑनलाइन, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदते होंगे दोस्तों सब लोग, ठीक है, तो ऑनलाइन सामान जो खरीदते हैं वो क्या होता है, वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस ही है। क्यों, हमें कोई सामान पसंद आया, हमने ऑर्डर कर दिया, तो ऑर्डर कर दिया तो ऑल ओवर इंडिया में से कहीं से भी ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से ऑल ओवर इंडिया में से आपके पास सामान आ जाता है कहां पे, आपकी सिटी में, माय सिटी में, ठीक है, माय सिटी में ऑल ओवर इंडिया से सामान आ जाता है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन जो भी सामान हम मंगाते हैं उसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, ठीक है, तो जितनी भी फैसिलिटी कॉमर्स की है वो उसमें है। ई बस इसलिए है क्योंकि वो मैनुअल नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें हमें दुकान नहीं जाना पड़ता, हम स्क्रीन पर ही सब चीज़ देख लेते हैं, बस इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। अगला इसमें आखिरी है, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी, ठीक है, हमें अगर जानकारी है तो हम उस सामान को खरीद सकते हैं, दुकान जाते हैं उस सामान के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि ये सामान ऐसा है, ये ऐसे यूज़ होता है। आप लोग ऑनलाइन सामान जब खरीदते हैं तो उसके बारे में कुछ लोग रिव्यू लिखे होते हैं, कुछ लोग डिस्क्रिप्शन, उसका जो दुकान वाला होता है क्या लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन, ये ऑनलाइन में, ऑफलाइन में डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जब जाते हैं तो दुकान पे जो सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल या दुकान का मालिक सामान बेचता है वो खुद ही डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन देने से आपके पास क्या मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, और जब तक आपका सेलर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाता कि ये प्रोडक्ट उसके लायक है कि नहीं, तब तक वो क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। हिंड्रेंस ऑफ क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन, आप रिव्यू पढ़ के या डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही सामान को लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ बिजनेस में क्या क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया भाई, इंडस्ट्री पढ़ लिया, कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स में एक चीज और होती है आपकी ट्रेड, ठीक है, ट्रेड होती है ये, ठीक है, ट्रेड। अब आइए देखते हैं ट्रेड क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रेड इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ बिजनेस। देखिए यहां पे स्टेट का मतलब होता है राज्य नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है उसका क्या तरीका है, किस तरीके का वो है, ठीक है। आइए, ट्रेड इज द
ठीक है, ट्रेड इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्टिविटी दैट, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब देखिए, ट्रेड आपका कॉमर्स का वो स्टेट है, वो जग स्थान है, या वो क्या कह सकते हैं, वो पोजीशन है जहाँ पे हम क्या करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को ना क्या करते हैं इन्वॉल्व, उसमें क्या रहता है सेल एंड परचेज, ठीक है। ट्रेड में क्या आता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स की और सर्विसेज की सेल एंड परचेज आती है, ठीक है। ठीक है, आइए, ठीक है, क्या है गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व होती किसमें, ट्रेड में, ठीक है। आगे क्या कहा है, इट इज टू फैसिलिटेट दैट ट्रांसफर ऑफ गुड, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या देख लिया सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, अब क्या देखेंगे हम लोग ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है। क्या कहा है, इट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, देखिए गुड्स अगर बेचा जा रहा है तो उसका मतलब हो जाता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स कहां से, सेलर से बायर की तरफ, ठीक है, बेचने वाले से खरीदने वाले की तरफ, ठीक है। फ्रॉम सेलर टू बायर दैट ऑल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन एज ट्रेड, ठीक है। अब ट्रेड में क्या क्या आता है, ट्रेड में आपका आ जाता है परचेज एंड सेल एंड ट्रांसफर ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है। ये किसमें आया था आपका ट्रेड में, और ट्रेड किसके अंतर्गत आता है, ट्रेड आता है कॉमर्स के अंतर्गत, ठीक है। तो बिजनेस के दो कंपोनेंट, एक कॉमर्स और एक इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री हम लोग ने पढ़ा था तीन टाइप की, कॉमर्स हम लोग पढ़ा, कॉमर्स के अंदर ट्रेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रेड जो काम करता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये कैसे करता है, जो हमने कॉमर्स में अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, हिंड्रेंस, ठीक है। क्या था पहला, ठीक है, पहला था हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, दूसरा आपका हो जाएगा हिंड्रेंस ऑफ थिंग, तीसरा आपका था हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है, ऐसे और भी था। तो इन्हीं सबको जब टैकल करते हैं और काम करते हैं तो वो किसमें आता है, ट्रेड में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, ट्रेड दो प्रकार की होती है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। पहला क्या होता है, इंटरनल ट्रेड, और दूसरा क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। पहला आपका होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड।
अब इंटरनल ट्रेड का मतलब, इंटरनल से मतलब होता है अंदर, ठीक है। अब इससे आप लोग ये समझेंगे कि अगर हम लोग जैसे भारत में है भाई, ठीक है, हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो इंडिया की जो पूरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, उसके अंतर्गत जितना भी ट्रेड होगा वो सब क्या कहलाएगा, वो सब कहलाएगा इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और विद इन द टू कंट्री अगर ट्रेड हो रहा है, दो देशों के बीच में, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। यही दो प्रकार के ट्रेड होते हैं आपके, ठीक है। इंटरनल ट्रेड को हम एक और कहते हैं, हम कहते हैं इसको होम ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट को आप एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके टाइप्स ऑफ ट्रेड हो गए, ठीक है। अभी तक हम लोग ने कंपोनेंट्स में क्या देख लिया, पहला देखा इंडस्ट्री, पहला हम लोग ने देख लिया था इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें थ्री टाइप्स की ऑफ इंडस्ट्री थी, ठीक है। दूसरा हम लोग ने देख लिया कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स का ही एक पार्ट हम लोग ने अभी क्या देखा, ट्रेड। तो ये तीनों मिलके क्या बन गए, कंपोनेंट्स ऑफ ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बन गए, ये तीनों मिलकर बन गए कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ठीक है, आइए एक चीज और देख लेते हैं। हमने एक्सपोर्ट बताया, एक्सपोर्ट का ये मतलब होता है जो आपका कस्टमर है ना, कस्टमर कहाँ है, फॉरेन में, फॉरेन लैंड में कस्टमर है, ठीक है। अगर हम अपने देश से, जैसे मान लीजिए ए है बी, ए इंडिया में है और बी कहाँ है, अमेरिका में, ठीक है। अगर आप यहां से यहां गुड्स बेचेंगे, कहाँ, ए से बी को, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है, क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। कस्टमर कहाँ है हमारा, अमेरिका में। अगर आप मान लीजिए आप बी से ए को गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो फॉरेन लैंड से होम लैंड में, तो ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। सिंपल समझते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब हो गया सेलर द सेलर इज इन होमलैंड, ठीक है, एंड कंज्यूमर इज एट फॉरेन लैंड, ठीक है। ये एक्सपोर्ट का मतलब हो गया, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट का क्या मतलब हो जाएगा, इंपोर्ट का मतलब हो जाएगा द सेलर इज एट फॉरेन लैंड, ठीक, एंड द कंज्यूमर इज एट होमलैंड, ठीक है। बस यही अंतर होता है एक तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस पूरा खत्म कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिजनेस सिस्टम, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बिजनेस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।